आगे बढ़ते आपको बताएं कि इंग्लैंड में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का फौज पाकिस्तान की खिदमात को सलाम। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाक फौज को रेड लाइन करार दे दिया है। जो है ना, मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान का एक बड़ा स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन है और इट शुड बी रिस्पेक्टेड। जो कि पीटीआई गवर्नमेंट के आने के बाद हमारा हर इदारा सीवियरली डिसरिस्पेक्टेड हो गया। मेरा ख्याल है कि ये तो किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री का, मतलब किसी बैकवर्ड कंट्रीज में भी ऐसे नहीं होता कि आर्मी के अगेंस्ट इस तरह सोची समझी तरीके से साजिश की जाए और तोड़फोड़ की जाए। ये तो शायद ये लोग हमारे मुल्क को रवांडा या कोई अफ्रीकन कंट्री की तरह बनाना चाहते हैं, और ये अच्छा हुआ कि ये साजिश और इन लोगों के चेहरे बेनकाब हुए। ये फौज है तो हमारा मुल्क है और हम सब कौम के साथ एक साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से हमारी फेडरेशन है, उस फेडरेशन में एक फौज ही वाहिद इदारा है जिसने सब इकाइयों को जोड़ रखा है। आर्मी जो है वो किसी भी कंट्री की रेड लाइन होती है। असल में जो पाकिस्तान की आर्मी है वो पाकिस्तान की रेड लाइन है, और जो तरीके इंसाफ के ये कारकुनान ने और लीडरान ने फौजी तनसीबात पर हमले किए हैं, मेरा ख्याल है ये इससे बदतर चीज़ कोई हो नहीं सकती। और इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि पीटीआई के कारकुनों ने, पीटीआई ने पीटीवी पे हमला किया, रेडियो पाकिस्तान पर हमला किया, इन्होंने पार्लियामेंट पर हमला किया, और अब आकर इन्होंने फौजी तनसीबात पर भी हमला कर दिया है। बहुत अफसोस हुआ है जी, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। आर्मी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और इंशाल्लाह पाक